हे गाइस, वेलकम बैक ऑन नितिन फोटोग्राफी। माय नेम इज़ नितिन। टुडे आई विल शो यू हाउ टू मेक 3D फिल्म इमेज इन फोटोशॉप। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे फोटोशॉप में 3D फिल्म इमेज हम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे 3D फिल्म इमेज बनाते हैं। सबसे पहले फाइल में जाके एक न्यू पेज लेना होगा आपको, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक न्यू पेज ले रखा है। अब मैं इसे कंट्रोल आई प्रेस करके ब्लैक कर देता हूँ इस पेज को, और इसका एक डुप्लीकेट पेज बना लेता हूँ इस तरीके से। और फिर से कंट्रोल आई बटन प्रेस करता हूँ, जिससे ये पेज जो है वाइट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं एडिट ऑप्शन में फ्री ट्रांसफॉर्म करता हूँ। कंट्रोल टी से भी कर सकते हैं आप शॉर्टकट, और अल्टर बटन प्रेस करके यहाँ से आपको इसे नीचे लेना है 75% तक, या फिर नियर बाय 75.6 आप ले सकते हैं। आप परसेंटेज यहाँ पर देख सकते हैं हाइट में। वैसे ही हमें वेट में भी 92-93 के आसपास लेना होगा। यहाँ पर भी अल्टर बटन प्रेस करके हमें इस तरीके से ड्रैग करना होगा 92 या 93% के आसपास। मैं यहाँ डायरेक्ट टाइप भी करके ले सकते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, अभी हम इन दोनों लेयर को जो है मर्ज कर देते हैं। पहले हम फ्री ट्रांसफॉर्म को हटा देते हैं। अब हम इन दोनों लेयर को मर्ज कर देते हैं। दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले राइट क्लिक करके मर्ज लेयर पे कर सकते हैं, या फिर दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई से भी आप मर्ज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक न्यू पेज लेता हूँ फिर से, जिसका साइज 18 इंचेस, हाइट रहेगी 12 इंच। ओके, यह हमारा एक ब्लैंक पेज यहाँ पर रेडी है। मैं इसमें बैकग्राउंड बना लेता हूँ एक, जिसके लिए हमें एक इमेज लेना होगा। दोस्तों, अब हम इसमें एक बैकग्राउंड के लिए एक इमेज ले लेते हैं। फाइल ओपन, और एक इमेज उठा लेते हैं हम यहाँ से न्यू फोल्डर में से। इस इमेज को ले लेते हैं। ओके ओके फ्रेंड, हम इस इमेज को जो है बैकग्राउंड के लिए यूज़ करेंगे। अभी हम हमारी फिल्म को यहाँ जो हमने फिल्म बनाई है इसे कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल ए बटन से हम सिलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर हम इस बैकग्राउंड वाले इमेज पे लेयर पे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी से। और इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं। अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ इस तरह से, और उसको भी हम यहाँ साइड में रख देते हैं। अब मेरे पास जो है दो फिल्म रेडी हो गई है यहाँ पर। अब इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं और एक न्यू लेयर बना लेते हैं कंट्रोल जे से, और उसे भी उठा के साइड पे रख देते हैं। अभी 2 से 4 हो गई हमारे पास, और फिर हम इसे मर्ज कर देते हैं। ये जो है सारी लेयर हमारी मर्ज हो गई है यहाँ पे। दोस्तों, अब इसमें हमें फिल्म के समान, रील के समान एक इफ़ेक्ट देना होगा। इसके लिए आपको यहाँ से इरेजर सिलेक्ट करना होगा, 14 ठीक रहेगा, 14 साइज रख लेते हैं हम इसका।
ब्रश टिप से यहाँ से जो है हम इस ब्रश की स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। नियर बाय 290-295% हम यहाँ पर इसकी स्पेसिंग रख देते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको और सबसे एंड में जाके शिफ्ट बटन प्रेस करके क्लिक करना होगा आपको। फ्रेंड्स, आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके ही करना होगा, नहीं तो ये ऐसे आपके इफेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन शिफ्ट आपको अभी प्रेस नहीं करना है, पहले यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जब दूसरी बार आप यहाँ क्लिक करने से पहले शिफ्ट बटन प्रेस करना है, फिर क्लिक करना है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी फिल्म बन गई है यहाँ पे, जो कि काफ़ी रियल टाइप दिख रही है। अब हमें क्या करना है, इस पे इमेज फिट करना है। इसके लिए हम चार इमेज ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ये चार इमेज हमारे पास है, हमने ओपन कर लिया यहाँ फोटोशॉप में। अब हर एक ब्लॉक में हम एक फ़ोटो को फ्रेम कर देते हैं। यहाँ से कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल कॉपी, इस पे हम काम कर रहे हैं। इस शीट पे हम पेस्ट कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले बॉक्स को सिलेक्ट करना होगा। मैजिक वैन टूल से आप इस वाइट कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेस्ट इन टू, कंट्रोल टी बटन से हम इसे फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका साइज थोड़ा सा जूम आउट करके हम इसे बराबर इस बॉक्स में पुट अप कर देते हैं इमेज को। ओके, ऐसे ही हमें बाकी तीन ब्लॉक में बॉक्स में भी इमेज पुट करना है। कंट्रोल ए कॉपी सेलेक्ट बॉक्स, दूसरे लेयर पे हमारी जो है फ्रेम है, इसलिए दूसरी लेयर सेलेक्ट करना होगा। फिर सेलेक्ट और पेस्ट इन टू, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट इन टू, फिर कंट्रोल टी। इसका भी साइज हम कम कर देते हैं। ये सारी इमेज को जो है मर्ज कर देते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली लेयर पे हमें क्लिक करना होगा और शिफ्ट बटन प्रेस करके ये सारी लेयर जो है हमें सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल ई शॉर्टकट बटन है सभी लेयर को मर्ज करने की, जो सिलेक्टेड लेयर है उनको। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारी एक लेयर जो है इस तरीके से बन गई है। अब हमें इसे 3D इफेक्ट देना है, तो आइए देखते हैं 3D इफेक्ट कैसा देते हैं हम। चलिए एडिट पे चलते हैं, फिर से ट्रांसफॉर्म में चलते हैं और व्रॉप में जाते हैं। व्रॉप में जाने के बाद यहाँ से कस्टम सेफ है, यहाँ से हम फ्लैग ले लेते हैं। ओके, फिर से एडिट पे जाते हैं, सॉरी लेयर वन, एडिट, ट्रांसफॉर्म और पर्सपेक्टिव। यहाँ से हम इस तरफ का जो है शेप छोटा कर देते हैं और इसे
बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा और बड़ा। ओके, ओके फ्रेंड्स, ये हमने इसे 3D फिल्म बना दिया है। अभी हमें इसमें शेडो देना है, इसके लिए हमें ब्रश सेलेक्ट करना होगा, कलर ब्लैक, फोरग्राउंड कलर ब्लैक लेंगे हम। ओके, और यहाँ से इस ब्रश न्यू लेयर ले लेते हैं, एक ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कैप ऑपेसिटी हम 100 कर देते हैं, और यहाँ से आपको इस तरीके से ड्रॉप करना है, पेंट करना है। अब कंट्रोल टी या फिर एडिट पे जाना है, फिर से आपको ट्रांसफॉर्म और प्रेस्पेक्टिव, फिर अल्टर बटन प्रेस करके यहाँ से हमें इस तरफ का साइज जो है छोटा कर देना है और इधर का बड़ा कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से, और कंट्रोल टी से फिर से हम फ्री ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और इसे अभी सही जगह पे रख देते हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे तक ले लेते हैं। अब ठीक है, और इस लेयर को हम नीचे ले लेते हैं, बैकग्राउंड पे, बैक साइड पे। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3D फिल्म हमारी रेडी हो गई है। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।